रणवीर शो क्लिप्स में आपका स्वागत है YouTube का एक एक लौता चैनल जहां तो आपको हर चीज के बारे में नॉलेज एक एक्सरसाइज करना चाहूंगा आपके साथ करो तो आपका एक पुराना वीडियो मुझे मिला यू कैन टाइप शेखर कपूर सिमी गरेवाल ओ oh my <laughs> <आरे> गॉड <गारे। laughs> आप कौन थे सर हाँ <laughs> <laughs> मुझे समझ में नहीं आ रही कौन था ये आई जस्ट स्टार्टेड वॉचिंग इट एंड सिमी गरेवाल मेरे लिए एक, एक तरह की आइडल है क्योंकि उन आई फील उनका शो काफी ज्यादा पॉडकास्ट ओरिएंटेड होता था हमें दाढ़ी नहीं थी तो नहीं आप बहुत अलग दिखते थे एंड आई 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 मीन आई एम सेइंग दिस विद रिस्पेक्ट पर आई फील आप काफी प्लीज डोंट माइंड मी सेइंग दिस इन सम वेज देयर वाज सम अनरिजॉल्वड स्टफ इन यू या एम आई राइट यू जॉइंड द डॉट्स एट दिस पॉइंट कौन थे आप आई I... याद रख करने की कोशिश कर रहा हूँ कि इस वक्त था जब मैं पहली बार मैं वहाँ वेस्ट में हॉलीवुड जा रहा था और हॉलीवुड में फिल्म बनानी शुरू कर दी थी तो शायद थोड़ा सा एरोगेंट था थोड़ी मेरी बीवी मेरे साथ बैठी थी ज़्यादा एरोगेंस नहीं दिखाना चाह रहा था पर हिंदी फिल्म इंडस्ट्री को मैं मान नहीं रहा था क्यों क्या यार जब भी मैं कि कोई भी कहूँ स्क्रिप्ट बना रहा हूँ या चलो फिल्म बनाए तो पहला सवाल प्रोड्यूसर का क्या होता था हीरो की माँ का है <laughs> तो हीरो एक तरह से मैं बाहर इसलिए गया कि अलग अलग तरह की कहानी सुना पाऊँ अब यहाँ शुरू हो गया इसलिए मैं वापस आया हूँ वाह क्योंकि आई कैन मेक डिफरेंट फिल्म नाउ इन इंडिया विद इन इंडिया एक तो ओ ने बदल दिया सब कुछ जी और जब मैंने बैंडेड क्वीन बैंडेड क्वीन के बाद बैंडेड क्वीन के बाद मैं निकल गया था चले गया था मैं हॉलीवुड बैंडेड क्वीन के बाद का फेज हाँ, हाँ, तो हाँ, कि जो रिस्पॉन्स आपको बैंडेड क्वीन पे मिला कुछ लोग नाराज हो गए हाँ, वो उस इमोशन की वजह से आप में गुस्सा था थोड़ा सा। और हाँ, यू? नहीं नहीं। था था क्योंकि लोग मुझे कह रहे थे कि ये आप दिखा नहीं सकते हैं तो बैन हो गई थी फिल्म, बैन हो गई थी, थी फिर कोर्ट केस हो गया फिर सुप्रीम कोर्ट केस हो गया अम, पर उसे बिकॉज द फिल्म मेकिंग इतनी इंटरेस्टिंग थी लोगों को लगी तो वेस्ट में हुए बहुत लोग आ गए थे सब एजेंट आ गया ये आ गए हॉलीवुड फिल्म से ऑफर होनी शुरू हुई उसके बाद एलिजाबेथ मैंने बनाई पर ये वो फेस एलिजाबेथ से बनाने से एकदम पहले मैं जा रहा था बाहर hmm. इंटरनेट पर आपके आई फील आपके कम पॉडकास्ट एंड दिस इज ऑल दैट पीपल नो ऑफ यू

पार्टीशन वक्त हम आ गए थे वो वो जो ट्रेन टू पाकिस्तान वो सही है ऐसे ही आए थे हम जिसमें ट्रेन रोकी गई थी लोग मारे गए थे उसी ट्रेन में थे मेरे फादर डॉक्टर थे तो वो रह गए बट मेरी पूरी फैमिली माई मदर एंड माई टू सिस्टर्स एंड माई यंग सिस्टर वॉज नॉट बॉर्न मेरी बहन और मेरी मदर ऐसे ही ट्रेन में थे जहाँ लोगों के कत्ल हो रहे थे हम बच गए कैसे बचे वो मेरी मदर हम, हम बच्चे थे वो हमारे ऊपर डेट के ऐसे डेट गई जैसे मर गई हाँ हाँ कितना होता था तब तो इतना था कि हम आए दिल्ली आए दिल्ली में जब मैं देखता ना कि वो रेफ्यूजीज़ आज कल कि वो देख रेफ्यूजीज़ की ये है ये है फिर याद आता है रेफ्यूजी तो मैं भी था आज दुनिया का एक बड़ा डायरेक्टर बन गया तब तो रेफ्यूजी था लेकिन ये एक सीरीज़ आया था जुबली उसके शुरुआत में लगा है कि दिल्ली जो पाकिस्तान से पंजाबी रेफ्यूजी आए थे तो उनका क्या हालत था कि कुछ कुछ मेरे पेरेंट्स ने बताया था तब मुझे समझ आई कहाँ रहता था मैं कुछ स्लम्स में हम रहते थे और वहाँ जैसे पंजाबी लोग जब से आए थे उनके अगेंस्ट कितनी मूवमेंट्स हुई थी क्योंकि पंजाबी आकर सब जॉब्स मांग रहे थे लकी और मेरे फादर आए हमको छोड़ गए फिर वापस चले गए क्योंकि वहाँ डॉक्टरों की बहुत जरूरत थी लाहौर में लाहौर में तो आफ्टर द वेंट बैक याक फॉलों थ्री फोर वीक्स तो वो जब मैंने प्रोग्राम देखा चुबली तब मैंने देखा अच्छा हम ऐसे रहते थे और मैं देख रहा हूँ पूरी टेलीविजन में दुनिया में अरे रेफ्यूजीज ऐसे हैं बेचारे बेचारे तो फिर मैंने कहा यार मैं ऐसा ही था रेफ्यूजी था याद है कुछ बचपन का तो नहीं यार एक साल का था पर मतलब अर्लीस्ट मेमोरीज क्या हैं आपके एक मेमोरी मैं बताऊँ बहुत इंटरेस्टिंग है पाकिस्तान में गया काफ़ी बार गया उसके बाद मैंने जब बैंडेड क्वीन की तो नुसरत फ़तेह अली खान के साथ मैंने म्यूजिक किया तो जब मैं गया वहाँ तो पहले तो रिकॉर्डिंग स्टूडियो में गया तो वहाँ सबने मासूम और मिस्टर इंडिया के गाने प्ले करने शुरू कर दिए तो मैंने कहा खासा सब मैंने कहा देखो ये अलग फिल्म है ये वैसी नहीं है इसमें मिस्टर इंडिया जैसे गाने नहीं होंगे बट इट वॉज मूविंग कि पूरे ऑर्केस्ट्रा ने मिस्टर इंडिया और मासूम के गाने बजाए so, तो मैं जब वहाँ गया तो मुझे मालूम था कि वेराज कौन से एक घर था निस्बत रोड लाहौर में मेरे फादर ने कहा था तो वहाँ हम रहते थे वहाँ एक घर था एक बंगला था तो मैं गया वहाँ तो कहा ये गंदा नारा था नाले के साथ ये था ये था ये था फिर वो बंगला था तो होता ना दीवारों के साथ लोग अपना कुछ एक वो कैनवस बिछा कर चाय बेचते हैं तो घर तो खंडर सा था तो वहाँ बैठा मैंने चाय वाले से बात की बात करते 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 उसने देखा आप डॉक्टर साहब के बैठे हैं वो उसको तब का याद था तो बैठे उसने चाय पिलाई फिर कहा मैंने कहा ये घर में तो यहाँ पैदा हुआ था घर के तब तो तब से केस चल रहे हैं पता नहीं कितने केस हो गए हैं कभी इसका कभी उसका तो सब फिर मैं कैनेड कॉलेज में वहाँ लाहौर में मेरी मदर पढ़ती थी तो मैं वहाँ गया बैठा वहाँ प्रिंसिपल से बात की देखा ये खूबसूरत सी लड़कियाँ चुन्नी और बड़ी बड़ी चुन्नी और बड़े सलवार कमीज़ पहन के घूम रही फिर मैं मेरी मज़र भी उनमें से एक थी सोन लाहौर एक दो बार गया कैसी जगह पाकिस्तान लाहौर गया, गया जलालाबाद गया कराची में कुछ दोस्त हैं जब मैं चार्टर काउंसी करने गया तो कुछ पाकिस्तानी दोस्त थे कराची में रहते थे आ, जलालाबाद में नसर फतेह खान साहब का घर था तो दो चार कवाली भी कवाली के लिए गया लाहौर में खूबसूरत शहर खूबसूरत शहर है आ, बहुत ग्रीन बहुत है और लाहौर में मेरी मदर कहती कि हमारी पूरी फैमिली आ गई थी लेकिन उनकी एक कज़न रह गए थे वहाँ उन्होंने वो, वो ए, आ, इस्लाम अपना लिया और वहीं रहते थे और कभी कभी उनमें बात होती थी तो मैं पर्ल होटल था तब पता नहीं अब है कि नहीं पर्ल इंटरनेशनल तो मैं गया वो, यहां तो वो जैसे यहाँ होता है ना जब शादी होती हैं तो वो बाहर लगा देते हैं कि ये फंक्शन इस होटल में हो रहा है उसमें मैंने नाम देखा किसी शादी हो रही है और जो मेरी मदर कहती थी मेरे कज़न का नाम है वो लिखा हुआ था उनकी बेटी की शादी <laughs> तो मैं अंदर चले गया उस, उस आप कौन हो मैंने कहा मैं वो डॉक्टर साहब शील के का बेटा हूँ ओ हो रोको ऐसा सब ऐसा तो है पंजाबियों में एक दूसरे का रिश्ता तो होता था, था ना देश अलग हो गया था लेकिन वो रिश्ते तो रहे एक शॉल वाला आता था हमेशा मेरी मदर के पास वो सब जगह निकल पता नहीं कैसे जाता था पाकिस्तान जाकर ये वो तो शॉल वाला आकर सब बताता था मेरी माँ को वो पूरे आधा दिन बैठा रहता था शॉल एक बेचता था मेरी मदर बहुत कंजूसती थ मैं नहीं खरीदूँगी देख पर उनकी बातें चलते रहती थी वो किधर है उसके साथ क्या उसकी बेटी की शादी हो गई ये सब वो पाकिस्तान में और इंडिया में जैसे सब खबर देकर वो शॉल वाले का काम ही ये था ये एक कहानियाँ सोचो कि कितनी कहानियाँ हाँ पार्टीशन को लेकर बहुत कहानी बहुत कहानी अब लेकिन वो जनरेशन गया आई एम द लास्ट ऑफ जिनको याद जिनके पेरेंट्स को याद है पेरेंट्स भी गुजर गए क्या है कि क्योंकि वो रिश्ते नहीं रहे तो पाकिस्तान तो अब अलग देश हो गया बिल्कुल अलग हो गया लेकिन उस वक्त मुझसे पूछोगे वो पंजाबी कल्चर था ना दोनों जगह पंजाबी कल्चर था ना अब हो गया अब टू लास्ट ऑफ द जनरेशन गॉन इट्स ओके नाउ इट्स सेपरेट नेशन कम्प्लीटली फॉर इयर्स बात करते थे कि वो कहाँ गए अरे वो तो उधर चले गए वो इधर चले गए वो उधर चले गए It's Weird to think that what you said, ki you're the last of the yeah, the last of the thing. generation that actually was born in Pakistan. What is now Pakistan? Have you met other people like that, born in Pakistan and come? On. I'm sure you knew people in Delhi. Eh? Because they don't remember that much. But their parents, their parents would talk all the time. a बॉम्बे कभी मैं बॉम्बे आया था लंदन से आया था लंदन में पढ़ता था उसके बाद आया यहाँ कोई अर्ली एटीज में सेंट, में आया। ओके, okay. कैसी जगह थी बॉम्बे? अच्छी जगह थी यार वो इतना भीड़ नहीं भीड़ नहीं इतनी बिल्डिंग्स नहीं थी खाली खाली था ज्यादा और सस्ता था <laughs> अपनी वो वाली मूवी देखी, अमोल पालेकर की मूवी आई थिंक छोटी सी बात है

वो लो बारह रुपए मुझे याद है मैं बूफे खाने गया जाता था कभी कभी तो पूरा बूफे बारह रुपये में होता था हाँ। अच्छा चेंज अमेरिका आप कब गए एटीज में बैंडेड क्वीन के बाद चले गया था ओके और वहाँ लोगों ने एक ब्राउन बॉय को एक्सेप्ट कैसे किया मुश्किल था पहले तो उनको बहुत समझाना पड़ता था कि मैं अंग्रेज़ी अच्छी बोल लेता हूँ फिर उनको समझाना पड़ता था कि भैया फिल्म इंटरनेशनल फिल्म होती है फिल्म फिल्म होती है चाहे यहाँ बनाओ चाहे बैंडेड क्वीन बनाओ फिर मैं कहता था भाई बैंडेड क्वीन की वजह से तो आपने यहाँ मुझे बुलाया तो आप क्यों पूछोगे पूछेगा आपको फिल्म अच्छा एक चीज़ पर ये सिर्फ फिल्म बफ को समझ आएगी जी कि फिल्म जब हम बनाते हैं हम कहते हैं थ्री एक्ट स्ट्रक्चर है प्रॉब्लम प्लॉट सोल्यूशन हो तो प्रॉब्लम तो जब मैंने बैंडिड क्वीन बनाई तो मैं चाहता था कि लोग फिल्म के बाहर जब आए तो सोल्यूशन और प्रॉब्लम मैं नहीं देने वाला उनको बाहर आकर उनको ऐसे गुस्सा आना चाहिए कि इस इस जो सिलसिला जो मैंने दिखाया उसमें को दे हैव टू डू समथिंग ऐसी फिल्में बहुत कम होती हैं जिसमें थर्ड एक्ट नहीं होता वो थर्ड एक्ट कहते हैं है। थर्ड एक्ट था ही नहीं बैंडेड क्वीन में सोल्यूशन और प्रॉब्लम नहीं था उफ है तो हॉलीवुड में ऐसा लगा कि भैया वो मुझे समझाते थे कि थ्री एक्ट स्ट्रक्चर क्या होता है मैंने कहा तुमसे ज़्यादा समझ है मुझे थ्री एक्ट स्ट्रक्चर की इसलिए कि मैं जानकर नहीं डाला जानकर समझ गए कि नहीं डालूंगा तो लोग आएंगे बाहर तो उनको गुस्सा ज्यादा आएगा तो दैट्स तो 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 नहीं है जैसे अगर आप दीवार बनाए ओलास्ट सी ना हो मतलब कंक्लूजन नहीं होता कंक्लूजन नहीं मैं कंक्लूजन देना ही नहीं चाहता कंक्लूजन क्योंकि वो जो प्रॉब्लम है उसका कंक्लूजन हुआ ही नहीं अभी गोरे कैसे होते हैं ठीक है अमेरिका में तो गोरे गो, खाना खा, खा, से नहीं आते मैक्सिकन होते हैं स्पेनिश होते हैं अमेरिका पूरी कम्युनिटी है इमिग्रेंट्स की लेकिन गोरे जो हमारे मन में बैठे हैं ना उनको निकालना है एज एन अंग्रेज हाँ अंग्रेज <laughs> वो जो गोरी चमड़ी है वो अंग्रेज हैं वो तो अभी भी हम हमारे सिर में हमारे दिलों में बैठे हुए हैं तो आहा, क्योंकि जब मैंने यहाँ मासूम बनाई मिस्टर इंडिया बनाई बैनिड क्वीन बनाई इतनी इज्जत नहीं मिली

अभी भी मैं, क्योंकि मैं तो हो आया हूँ तो मुझे दिखता है अपने दोस्तों में अभी भी है hmm. ये क्या ये जो फॉरेन ब्रांड्स पहनने की ज़रूरत क्या है मैं तो नहीं पहनूंगा इतने पैसे दो और किसी और को एडवर्टाइज करो देखो लिखा हुआ है अरे मुझे पैसे दो मैं लिखूंगा बट दिस थिंग आई विल से दिस ये जो हमारे मोदी जी ने कहा ना कि भाई इतनी बड़ी शादियां करने हो तो बाहर जाकर क्यों करते हो hmm. इंडिया में करो सब कुछ है यहाँ मुझे भी लगता है पेरिस क्यों जाते हो शादी करने ना आपका वो कौन सा घर है आपका कौन सी फैमिली पेरिस में रहती जा जाते हुझ जाते हुझ, है जो आप पैरिस जाते हो क्या वो छोड़ो बट अभी भी इंडिया में ये बहुत है ये निकाल देना चाहिए जो कलोनियलिज्म बैठा हुआ है ना हमें और मुझे दिखाई देता है मैं तो हो आया हूँ वहाँ मैं तो वहाँ से उनको कॉन्को उनकी एलिजब उनकी सबसे बड़ी क्वीन के बारे में फिल्म बनाकर और उसके लेकर आ भी गया वापस अब मुझे वो है नहीं कलोनीलिज्म मेरे मन में बैठा ही नहीं